हेलो दोस्तों, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। बोर्ड के लिए नहीं है ये, ठीक है, लेकिन जेईई मेंस एडवांस और जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनमें काम आएगा टॉपिक। और टॉपिक का नाम बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर का मतलब है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, रजिस्टेंस का ये ट्रांसफर कर देता है। अभी किस तरह से रेजिस्टेंस का ट्रांसफर करता है, क्यों इसका नाम ट्रांजिस्टर है, ये कहां यूज होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, हम सब पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस एडवांस के लिए, है ना। अभी जो मेंस का पेपर हुआ है उसमें भी ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन आया था, मॉडर्न फिजिक्स से ईजी था, है ना। तो ट्रांजिस्टर हम करने वाले हैं। ट्रांजिस्टर देखो, ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, इट इज बेसिकली पीएन जंक्शन डिवाइस, है ना। एक पीएन जंक्शन बनाओ तो क्या बन गया था, डायोड बन गया था। अगर मैंने दो पीएन जंक्शन आपस में जोड़े तब उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिस्टर। देखो कैसे, इस तरह से एक वेफर लिया हमने, यहां पर पी साइड एलिमेंट की डोपिंग कर दी ट्राइवेलेंट की, यहां बेस में बहुत ही छोटी सी हल्की सी एन टाइप की डोपिंग कर दी, और यहां थोड़ा सा लार्ज फिर से पी टाइप की। तो काइंड ऑफ सैंडविच ये तैयार हो गया, है ना। ब्रेड आलू और ब्रेड आलू थोड़े से, ब्रेड बड़े बड़े, ठीक है। ये वाला थोड़ा बड़ा होता है पोर्शन, ये मॉडरेट होता है, ये बहुत ही थिन होता है, ठीक है। तो ये बना पी एन पी, तो यहां पर देखो पी एन जंक्शन एक ही बन गया, यहां पर भी देखो पी एन जंक्शन एक ही जंक्शन बन गया, है ना। तो ये टू पीएन जंक्शन डिवाइस होती है ट्रांजिस्टर। वर्किंग अभी समझेंगे, आज हम इसका इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं कि है क्या, है ना, और काम भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हो, इधर डोपिंग करो एन टाइप की, बीच में डोपिंग करो पी टाइप की, और फिर से इधर डोपिंग कर दो एन टाइप की, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एनपीएन, है ना। इन्हीं के ये दो, ये थोड़ा बड़ा होता है तो इसको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा बनाना है, है ना, इस तरह से। तो यार इनके दो नाम होते हैं, देखो, है ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन, इनकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, बनाने के हिसाब से इनको। तो इसको बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, और इसको क्या बोलते हैं, देखो, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इट इज अ टू पीएन जंक्शन डिवाइस। एक पीएन जंक्शन ये रहा, एक पीएन जंक्शन ये रहा, ऐसे एक पीएन जंक्शन ये रहा, एक पीएन जंक्शन ये रहा। इसकी खासियत क्या है, पहले इसको नाम क्या के दिए गए इन तीनों चीजों को, इसको बच्चों एमिटर कहते हैं, यहां से चार्ज एमिट होगा, अभी देखेंगे जब हम इसका फंक्शन समझेंगे। ये जो वेरी थिन वाला जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, इट इज कॉल्ड बेस। और ये लास्ट वाला जो लार्जेस्ट है, इट इज कॉल्ड बच्चों कलेक्टर, दिस इज कलेक्टर, ओके, एमिटर बेस कलेक्टर, ओके। सिमिलरली हियर दिस इज ऑल्सो एमिटर, नो मैटर इट इज एनपीएन और पीएनपी, इससे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कलेक्टर एमिटर, एमिटर दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर, ओके। तो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर का एक ब्लॉक डायग्राम, इसको आप कह सकते हो। इसका सिंबल अगर मैं देखूं, सिंबल क्या होता है इसका, तो इसके सिंबल को ऐसे बनाते हैं, सीधा टी बना दो, ये तो हो गया बेस, है ना। आप दो एरो इधर से निकालो, एक इधर से और एक इधर से, इस पर सर्कल भी आप ऐसे कर सकते हो। दिस बहुत ही गंदी ड्राइंग है मेरी, आई नो, और तुम्हें पता लगे क्या होगा, पता नहीं कब से पढ़ रहे हो, ठीक है, ओके। तो दिस इज बेस, ये एमिटर है और ये बच्चों कलेक्टर है, दोनों एरो एक जैसे लग रहे हैं, और ये कौन सा है, पीएनपी है एनपीएन है भी नहीं बता सकते, तो इसको बताने के लिए हमने इस तरह से एरो लगा देते हैं। एरो जो करंट की डायरेक्शन टाइप आप बता सकता है ना, करंट कहां से आता है, पी से एन की टाइप, है ना, पी से एन की साइड, तो ये पी हो गया, ये एन हो गया, तो इधर जा रहा है ना, पी से एन की साइड, पी टू एन, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे मान लो, है ना, पी टू एन साइड। तो ये बताओ ये क्या हो गया, पी टू एन, और ये तुम्हें पता है क्या होने वाला, पी, तभी तो पीएनपी बनेगा, तो ये पीएनपी का सिंबल हो गया बच्चों, सही है। अच्छा, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ये तो बेस हुआ पक्का, ये तो हमें पता है। अच्छा, यहां तक नहीं मिलाते, इसको ऐसे रखते हैं, सर्कल मत भी बनाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये ज्यादा अच्छा है, इसको ना यहां तक नहीं मिलाते, ओके। तो इस तरह से, तो फिर से एरो अगर मैं इस बार ऐसे बना दूं,
इस तरह से। तो ये बताओ क्या बन गया, देखो पी टू एन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस बार ये पी हो गया और इधर को जा रही तो एन हो गया, तो ये तुम बताओ क्या होने वाला एन। तो क्या बना जाओ एन पी एन ट्रांजिस्टर, है ना, ये एन पी एन का सिंबल हो गया। इन सबको सिंबल वगैरह को आप नोट करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें बात बताई है, छोटी छोटी सी मगर मोटी मोटी सी बातें मिटाए। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या है, ट्रांजिस्टर एक टू पी एन जंक्शन डिवाइस है, यहाँ पर दो पी एन जंक्शन बनते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से दो टाइप के हो सकते हैं, पी एन पी और एन पी एन। एक साइड अगर आपने पी की डोपिंग करी, बीच में जो बेस था वहां पर आपने एन की करी, तो दूसरी साइड पी की कर दो, है ना, तो ये कहलाता है अपना पी एन पी, ऐसे एन पी एन। अब कौन सा प्रीफर करेंगे कौन सा नहीं करेंगे वो भी हम चेक करेंगे, है ना। तो पहले हम समझते हैं बायसिंग, बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। बायसिंग का कुछ मतलब नहीं, कनेक्ट करना होता है, हमें पता है कनेक्शन विद बैटरीज और क्या, ठीक है। तो देखते हैं कनेक्शन, इसमें हमने तीन तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर वन है बच्चों कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस। नंबर टू है कॉमन एमिटर, आप एमिटर को कॉमन कर सकते हो, कैसे अभी पता लगेगा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और नंबर थ्री है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर। ओके, तो यार कॉमन बेस बहुत ही सिंपल है, कॉमन कैसे करते हैं, तीन टर्मिनल डिवाइस है, इट इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस, आपने देख लिया होगा, तो इसमें से तीन टर्मिनल निकले थे। अभी मैंने कमेंट सेक्शन में एक वीडियो डाला होगा ना एनिमेशन, वहां से आप रियल में ट्रांजिस्टर कैसा होता है वो भी देखोगे और उसकी वर्किंग भी अच्छे से समझोगे और अच्छे से। ओके, तो कॉमन बेस में क्या करना है ध्यान से देखेंगे। ये मैंने ट्रांजिस्टर बनाया इस तरह से, ब्लॉक डायग्राम इसका कह सकते हो, ये एमिटर बेस और ये कलेक्टर, एमिटर बेस, यहां नहीं लिख रहा, अरे याद रखो ना, क्यों लिखना, एमिटर बेस कलेक्टर, बस याद रखो, यहां लिख दो छोटा सा एमिटर बेस कलेक्टर। ओके, अब देखो सी कनेक्शन का रूल क्या है, रूल ये है कि जो एमिटर और बेस जंक्शन होता है, पहली बात तो क्या है कॉमन बेस, तो बेस को आप कॉमन कर दो, ऐसे ग्राउंड कर दो, दिस इज कॉमन बेस, है ना। कलेक्टर भी आकर के बेस से जुड़ेगा और एमिटर भी आकर के यार किससे जुड़ेगा, बेस से जुड़ेगा, है ना, तो इसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। बाकी दो भी तुम्हें पता लग गए होंगे कि उसमें क्या होने वाला है। तो देखो क्या है इसमें, क्या है ये, मान लो पीएनपी है, ओके, लेट अस अज्यूम इट इज पीएनपी, तो पी मतलब होल्स, हियर होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, है ना, ये लाइटली मतलब मॉडरेट इन साइज होता है बट हैवीली डोप होता है, दिस साइड इज हैवीली डोप्ड। अच्छा मैं इधर को लिख दूं क्या, जो क्या नाम है इसका, एमिटर साइड होती है, एक साइड होती है बेस साइड और एक साइड है भैया कलेक्टर साइड, तो उसके बारे में भी आप थोड़ी थोड़ी बातें याद रखो कि ये हैवीली डोप्ड होती है, अभी रीजन पता लग जाएगा जब मैं इसकी वर्किंग समझाऊंगा, और मॉडरेट इन साइज होती है ना, बेस से बड़ी बट कलेक्टर से छोटी, मॉडरेट इन साइज, ये क्या होती है वेरी थिन और लाइटली डोप्ड, बहुत हल्की चीज में डोपिंग करते हैं, लाइटली डोप्ड। और कलेक्टर की बात करें तो ये लार्जेस्ट इन साइज होती है, लार्जेस्ट इन साइज, तीनों में लार्जेस्ट है लेकिन मॉडरेटली डोप होती है, डोपिंग जो होती है इसकी वो एमिटर से कम होती है, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, है ना। तो ये होल्स यहां पर मेजोरिटी में होंगे, एक दो इलेक्ट्रॉन भी दिखा दो, ये बेस है और बेस कैसा है देखो, पीएनपी की बात करें एन, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी में, फिर से यहां पी है तो यहां होल्स होंगे, मॉडरेटली डोपिंग होती है इसमें, इस तरह से एक दो इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, हमने इसको एक बैटरी से जोड़ा इस तरह से, एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसको हमने इस तरह से एक बैटरी से जोड़ दिया, कॉमन किससे करना है, बेस से, ठीक है। तो ये देखो ये जो एमिटर और बेस जंक्शन है, दिस इज एमिटर दिस इज बेस, इट इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस, ये आप ध्यान रखेंगे ना, इट इज ऑल काम नहीं करता, इट इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। कौन सा जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन, दिस इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस, हमेशा प्लस माइनस, ओके, दिस इज द रेजिस्टर आर, जिसको आप इनपुट रेजिस्टर भी कह सकते हो, बाद में पढ़ेंगे कि इनपुट साइड कहलाती है, और ये हो गई वी बी बी, मतलब बेस बैटरी, बेस बैटरी, दिस इज बेस बैटरी जो हमने बेस से कनेक्ट की गई है, क्लियर। अच्छा अब कलेक्टर को भी किससे कनेक्ट करना है, कॉमन किससे करना है, ऑब्वियसली बात है कॉमन बेस है तो कॉमन करना है बेस से, है ना। यहां पर भी एक बैटरी जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि हमेशा रिवर्स बायस होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस,
ये कलेक्टर है, ये बेस हो गया था, ये मीटर था. कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स. रिवर्स कैसे करेंगे? देखो ये कौन सी साइड है, पी साइड है, तो इसको किससे कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल से. और ये थोड़ी सी बैटरी है, बड़ी होती है. ये हो गया वी सी बी, कलेक्टर बेस जंक्शन. क्लियर है कहानी? तो ये हमने जोड़ दिया. इसको भी आप एक रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ सकते हो, दिस इज अ रेजिस्टेंस. इसको आउटपुट बोलते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये कहलाता है अपना कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. अब ध्यान से देखेंगे क्या होगा, ऐसा करने से हुआ क्या. बहुत ही सिंपल सी, देखो ये है, ये प्लस साइड है, ये होल्स है, तो यहां से होल्स निकले, समझ रहे हैं, यहां से होल्स निकले. इन होल्स ने इसको पुश किया, ये जो डिप्लीशन लेयर बनी हुई थी इसकी वजह से यहां बैरियर पोटेंशियल बना हुआ था, याद है डायोड वाला. तो इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हमने पोटेंशियल लगाया, इसको ब्रेक कर दिया. ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, कुछ होल्स यहां चले गए इस साइड और कुछ होल्स यहां चले गए, है ना यार, बहुत सारे होल्स निकले. ये क्या हैवली डोप्ड है, तो यहां से मान लो 100 होल्स निकले, तो दो चार तो यहां डिफ्यूज हो गए इसमें और यहां आ गए डिफ्यूज होके, और दो चार में से जो बचे, चार 96 जो कहां गए, तो यहां चले गए बहुत बड़ा रीजन उनके पास, को यहां क्रॉस कर गए. ऐसा सोचो कि यहां से बहुत खतरनाक तरीके से पानी भरा हुआ है, या हल्की सी एक तख्ती लगी हुई, तख्ती मतलब जानते ना, ऐसा कुछ लगा हुआ है. ठीक है, अब यहां से किसी ने धक्का मारा, धक्का मारा तो यहां छोटी सी नाली बनी हुई है. ठीक है, तो जैसे धक्का मारा तो लार्ज अमाउंट में यहां से पानी आया, तो छोटी सी नाली बनी हुई तो छोटा सा थोड़ा सा पानी तो इधर आ गया, लेकिन यहां बहुत बड़ा एक रिवर टाइप है, तो मैक्सिमम पानी कहां चला गया, इधर चला गया. इज दैट क्लियर, है ना. तो यहां से होल्स आए मेजॉरिटी में, बहुत ज्यादा होल्स आए, दो चार होल्स इधर चले गए. इधर गए तो उन्होंने क्या बनाया, करंट बनाया, यार फ्लो ऑफ चार्ज कॉजेस करंट. तो दो चार होल्स जो इधर आए चल करके, उन्होंने करंट बनाया, और ये बेस से करंट निकला है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको बेस करंट. क्या बोलते हैं इसको, बेस करंट. क्लियर है? अच्छा, मेजॉरिटी में होल्स यहां चले गए, यहां भी पहले से होल्स थे, इनको भी पुश करके ले गए. देखो यहां से 96 तो होल्स आ ही रहे थे, 10-12 इधर से उठाए इन्होंने, तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होल्स इधर चले गए. और देखो ये नेगेटिव टर्मिनल इसलिए लगाया हमने, ये इनको अट्रैक्ट करता रहेगा होल्स को. क्लियर है? और फिर ये अपना इस तरह से एक सर्किट पूरा होता रहेगा. क्लियर है? तो यहां से क्या निकला, यहां से भी करंट निकला, और ये कहां से निकला, कलेक्टर से निकला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर करंट. क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब देखो यहां से आई बी आया, यहां से आई सी आया, और इस तरह से करंट यहां भी फ्लो होने लगा. देखो यार प्लस से करंट गया इस तरह से, यहां भी तो एक सर्किट पूरा हो रहा है. तो ये कौन सा करंट है, नेगेटिव की तरफ को, ये है आई ई. ई क्यों, एमिटर करंट, ये एमिटर से जो आ रहा है, दिस इज एमिटर करंट, दिस इज आई ई. क्लियर, कहानी समझ में आई, पूरी जल्दी बताओ. दिस इज योर एमिटर करंट, कलेक्टर से यहां से आया, कलेक्टर से बेस से यहां से आया, बेस करंट, और एमिटर से कहां से आया, दिस इज एमिटर करंट. ठीक है, तो अगर हम यहां पर इस नोट पर किरचॉफ जंक्शन रूल लगाना चाहें तो बताओ क्या हुआ, आई ई सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, तो लीव तो सिर्फ आई ई कर रही है, इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, तो एंटर कौन कर रही है, आई बी और आई सी, तो कितना हो गया, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी. क्लियर है कहानी? तो ये कहलाता है अपना कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. इसमें क्या करता है, देखो बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है, मतलब पूरा सर्किट क्लोज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी ये सर्किट ओपन हो रहा हो. ठीक है, तो यहां से होल्स निकले मेजॉरिटी में, कुछ होल्स यहां पर आ जाते हैं और मैक्सिमम होल्स यहां पर एंटर कर जाते हैं, और ये नेगेटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करता रहता है, और एक सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. तीन तीन करंट फ्लो होते हैं, यहां से निकला आई ई, यहां से आया बेस करंट, और यहां से गया आई सी. क्लियर है कहानी? ओके, इसको मिटाएं कॉमन बेस को, इसको बना लो. इसकी थ्योरी में मैं नोट्स वगैरह डाल दूंगा, वो देख लेना, मिटा दे इसको. तो ये है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. नाउ कमिंग टू कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. इसमें सिंपल सी बात है कि हमें एमिटर को ही कॉमन करना होगा, और क्या, कॉमन एमिटर कॉन्फ्यूगुरेशन, इसमें एमिटर को हमें कॉमन करना है. डायग्राम वैसे ही बनाएंगे हम, एमिटर कुछ ज्यादा ही छोटा बन गया यार, एमिटर बेस एंड दिस इज कलेक्टर. अभी पीएनपी की बात करें तो यहां पर होल्स है मेजॉरिटी में, हैवीली डोप होती है साइड, हमने पढ़ लिया है, दिस इज हैवीली डोप साइड एंड दिस इज कलेक्टर, सॉरी दिस इज ऑल्सो पी, मोर डेंटली डोप्ड बट लार्जर इन साइज, एंड दिस इज एन.
सो हियर आर इलेक्ट्रॉन। सो अभी पीएन जंक्शन बना हुआ है, यहाँ बैरियर पोटेंशियल बना हुआ है, यहाँ बैरियर पोटेंशियल बना हुआ है, तो अभी कोई करंट फ्लो नहीं होगा जब तक इसकी बायसिंग नहीं करेंगे। और इस बार बायसिंग कैसे करनी है, कॉमन एमिटर, एमिटर ये रहा, इसको कॉमन कर देना। देखो कैसे, इसको मैं बाद में लिखूंगा, ध्यान से देखना कैसे इसको कॉमन करते हैं। इस बार ये होगा कॉमन, ग्राउंडेड, कॉमन एमिटर, दिस इज एमिटर, सो दिस हैज बिकम कॉमन, कॉमन मतलब ग्राउंडेड, ठीक है। कलेक्टर बीसी से आगे जुड़ेगा और बेस बीसी से जुड़ेगा। तो पहले हमने बेस को जोड़ा थ्रू अ बैटरी, और मैंने क्या बताया अभी रूल कि बेस और एमिटर जंक्शन दैट इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस। तो बेस और एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड में होता है, तो फॉरवर्ड में होने के लिए क्या चाहिए हमें, कि जो बेस है वो कैसा है, देखो एंड है ना नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ो और इसको किससे जोड़ो, पॉजिटिव से, ठीक है। एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है, यहां पर लगा दो, बात समझ में आएगी नहीं। तो ये क्या है, बी बी बेस बैटरी, क्लियर है, बात समझ में आ गई, इसमें कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, ठीक है। कॉमन एमिटर है ये ध्यान रखना है, तो हमने बेस को किसे जोड़ दिया, एमिटर से, कॉमन। कलेक्टर को भी किसे जोड़ना है, एमिटर से, और हमें याद क्या रखना है वो हमें अच्छे से पता है, याद हमें रखना है कि कलेक्टर एमिटर जंक्शन, कलेक्टर एमिटर जंक्शन इज ऑलवेज इन रिवर्स बायस, ये हमेशा रिवर्स में होता है। तो ये नेगेटिव साइड है तो उसको हमने किसे जोड़ दिया, पॉजिटिव से, सॉरी ये पॉजिटिव साइड है, पी साइड है, तो उसको हमने किसे जोड़ा, एन से, नेगेटिव से, ठीक। तो हो गया वी सी ई, कलेक्टर एमिटर जंक्शन, रेजिस्टेंस से जोड़ दो उसको एक, दिस इज आर आउटपुट कह लो उसको, अभी क्यों इनपुट आउटपुट कह रहे हैं वो भी हम देखेंगे। तो हम सिर्फ अभी बायसिंग पढ़ रहे हैं कि कनेक्शन किस तरह से करना है कि करंट फ्लो होने लगे, फिर काम समझेंगे इसका काम क्या है, ठीक है, कि क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। ओके, तो ये दिखा हमें, अब देखो फिर से क्या होगा, बेस करंट हमने यहां से दिया, यहां नेगेटिव टर्मिनल लगाया, तो यहां से क्या हुआ, फिर से होल्स पुश हुए। देखो हमने यहां पर लगाया तो क्या हुआ, यहां से होल्स पुश किया गया, इसने होल्स को पुश किया, ऐसे ये पुश किया होल्स को, अब होल्स को पुश किया तो क्या हुआ, फिर से वही बात हुई कि बैरियर टूट गया, जो यहां बैरियर बना हुआ था, बैरियर पोटेंशियल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होल्स हैं वो यहां क्रॉस कर जाएंगे, क्यों कर जाएंगे, क्योंकि यहां जगह बहुत कम है डिफ्यूज होने के लिए, और दो चार जो डिफ्यूज होंगे वो एक छोटा सा वीक टर्मिनल जो है खींच लेगा, यानी कि एक करंट यहां पर फ्लो होने लगा और उसका नाम क्या है, बेस करंट, या बेस से निकला तो क्या बोलेंगे उसको, बेस करंट, दिस इज बेस करंट, क्लियर है कहानी, ओके। इसके बाद देखो यहां पे क्या हुआ, मैक्सिमम होल्स यहां फिर से एंटर कर गए, अभी हमने देखा था 100 लीटर पानी निकला, 4 लीटर इधर चला गया, 96 लीटर इधर चला गया, और दो चार इधर से इसको खींच ले गया, तो यहां से एक करंट निकलने लगा, और इसको हमने क्या बोला, कलेक्टर करंट, तो ये अपना कलेक्टर करंट जा रहा है, दिस इज कलेक्टर करंट, ठीक है, बोले यार। अब देखो ध्यान से, तो ये आया यहां से बेस करंट, यहां आया कलेक्टर, अब यहां से भी एक करंट बना, इस तरह से एक सर्किट पूरा हो रहा है कि नहीं, यहां पे देखो ये पॉजिटिव है, ये इस तरह से एक सर्किट यहां पूरा हो रहा है कि नहीं बोलो, ठीक, और एक सर्किट यहां पे पूरा हो रहा है इस तरह से, और एक सर्किट पूरा, तो ये एक सर्किट ये पूरा हो रहा है, तो यहां से करंट निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है कहां से निकला है, एमिटर से निकला, तो क्या बोलेंगे, एमिटर करंट, इसको क्या बोलते हैं, एमिटर करंट। अब देखो ये कहां से कहां जाएगा, इसकी डायरेक्शन का ख्याल रखना है, ये करंट यहां से आ रहा है यूं, ये करंट यहां से आ रहा है यूं, और ये दोनों मिलकर कहां जाएंगे, यहां, ठीक है, तो दिस इज आई ई, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे तो सर्किट पूरा होगा, ऐसे इसको देख लो, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्लियर है कहानी। तो इस तरह से दो सर्किट पूरे जाते हैं। फिर से देखो यहां पर जंक्शन रूल लगाओ, तो देखो IE सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन, तो लीव कौन कर रहा है जंक्शन को, सिर्फ IE, दैट इज IE इज इक्वल टू IC भी आ रहा है, IB भी आ रहा है, इसकी तरफ फिर से हुआ IB प्लस IC, ये छोटे से रूल का बहुत काम है ना, ये तीनों करंट आपस में कैसे डिपेंड करते हैं भी हम देखेंगे। तो एक कहानी समझ में, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इस तरह से हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी बना सकते हैं, हालांकि उसकी कोई खास जरूरत नहीं है बनाने की, है ना, हमारे जो सिलेबस में है वो ये सिर्फ दो ही कॉन्फ़िगरेशन मेन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और सबसे ज्यादा मेन ये है, ठीक है, मैक्सिमम एप्लीकेशन यहां से ही बनेंगी। तो ये बात समझ में कि किस तरह से, तो इसके रूल्स अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या, कि बेस एमिटर जंक्शन इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड बायस, ठीक, नंबर टू कलेक्टर एमिटर जंक्शन इज ऑलवेज इन रिवर्स बायस, ठीक, तीसरा बेस करंट जो निकली है दैट इज वेरी लो, सिंपल सी बात है, यहां बहुत कम होल्स इधर जा पाते हैं, तो बेस करंट इज वेरी लो, इज
वेरी लो. कितनी लो? ओनली 2% ऑफ एमिटर करंट. ठीक है, इसका आई का सिर्फ 2% होती है, बहुत ही कम होती है, ओनली 2%. 98% कलेक्टर में जाती है. ठीक है, तो बेस करंट बच्चों बहुत ही कम होती है. ठीक, और बस ये तीन बातें इसमें मेन है. तो कॉमन एमिटर, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन हम समझ गए. तो आज हमें सिर्फ इतना ही समझना था कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है. ओके बच्चों, इसको नोट करना. टाटा बाय बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्द.